वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैब्स कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ अपनी एकेडमी के कुछ कोर्सेज और इंटरव्यू करने वाली हूँ तमाम टीचर्स और उन स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज कर रहे हैं। तो बात को लंबी किए बगैर हम चलते हैं अपनी टीचर्स की तरफ और उनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अब मैं आ चुकी हूँ लैब्स की टीचर के पास, जो कि यहाँ पे करवा रही हैं स्टूडेंट को SEO गेस्ट पोस्टिंग ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये कोर्स उनका किस तरीके से कवर कर रही हैं वो और कितना बेनिफिशियल है ये स्टूडेंट्स के लिए और हमारी एकेडमी के लिए। सो आइए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। सी तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानने आई हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कोर्सेज करवा कौन से रही हैं। एक्चुअली मैं ऑनलाइन अर्निंग कोर्स करवा रही हूँ जो कि जिसका नाम है SEO गेस्ट पोस्टिंग, और वो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोर्स है। इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है क्योंकि आप जानती हैं इनेबलर्स, अमेजन, डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो कोर्स है ये विदाउट इन्वेस्टमेंट कोर्स है और यहाँ पर 100% अर्निंग का फुल चांस है। आप स्टूडेंट का वर्क चेक कर सकती हैं और उनसे बिल्कुल पूछ सकती हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। जितना बच्चों की वर्किंग होगी उस लिहाज से बच्चों की सक्सेस होगी। ओके, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए डेली लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या हर स्टूडेंट को ये इस साइड पे आना चाहिए या फिर नहीं, तो कि ये बेनिफिशियल है? स्पेशली गर्ल्स को इस साइड पे ज़रूर आना चाहिए जो कि कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादातर बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मेरा ये मशवरा ये है कि ना गर्ल्स को इस साइड पे ज़रूर आना चाहिए। नो डाउट बॉयज़ को भी आना चाहिए लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा आना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकें और कुछ ना कुछ कर सकें। ओके, सो मज़ीद आप इस कोर्स के अंदर, मुझे ऐसे सुनने में मिला था कि आप बहुत सारे पैकेजेस और भी दे रहे हैं, तो लैब्स और कौन से पैकेजेस दे रहे हैं SEO गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स में? SEO गेस्ट पोस्टिंग के अलावा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है, ये भी ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता है डिजिटल मार्केटर आजकल आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनर भी आजकल बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता और इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म्स में लाइक फाइवर। तो आप जितना इसको सर्च करें उतना ही कम है और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है और बिल्कुल भी घर बैग खाली बैठने का दौर नहीं। तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि हर एक को स्किलफुल होना चाहिए और स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके स्टूडेंट से थोड़ा उनका वर्किंग चेक कर लूँ या कुछ? ओके जी। सो गाइस चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ इस बच्ची से कि आप क्या वर्किंग कर रही हैं और क्या बेनिफिशियल है ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं SEO कर रही हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मतलब जब मैं आई थी मुझे तकरीबन थोड़ा कंप्यूटर का भी ना पता था, लेकिन अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अब अर्न करने के काबिल हो गई हूँ कि ओके। तो आपने इस कोर्स को SEO गेस्ट पोस्टिंग को अभी तक कितना मतलब इसको कवर कर चुकी हैं आप यहाँ पे लैब्स में? इसके लिए मैंने, हम लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स इकट्ठी की हैं, तकरीबन हमें 2 मंथ हो गए हैं करते हुए। अब उम्मीद है कि अब हम डील्स की तरफ आएंगे। वो ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितनी देर तक आपके डील्स कवर हो जाएंगे? जैसे आपने बताया कि आपको 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे वर्किंग करते हुए, और टीचर्स कैसी हैं यहाँ की आप अगर बताना चाहें? टीचर्स ने बहुत कोऑपरेट किया है, मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, तो चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ और उनकी वर्किंग चेक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मलीहा फातिमा। ओके, सो आप कौन सा कोर्स कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं SEO कोर्स कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और पहले तो मुझे कंप्यूटर का कुछ आइडिया ही नहीं था, पर मुझे ये हुआ है कि मेरी हॉलीडेज ज़ाया नहीं गई, मैंने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कुछ मुझे नहीं पता था। मेरी टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, सारा बहुत अच्छा गाइडनेस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और काम करने में बहुत मज़ा आता है। ओके, सो SEO के अलावा आप यहाँ पे और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आप इस पैकेज में कर रही हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगी?
जी बिल्कुल, एस सी ओ के अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज और भी हैं, बहुत अच्छा है सारा। और बाकी कोर्सेज में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, वेबसाइट्स बनानिया और अकाउंट्स बनाना, जो कि मुझे अकाउंट्स बनाने के लिए पूछना पड़ता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक, ओके जी। सो अगले स्टूडेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जी, आपका नाम? नूर फातिमा। सो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप अपनी डेली लाइफ में? डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा वर्क है वो। एक तो आप आम मार्केट में बैठ के काम करते हैं, डिजिटल मार्केट से हम वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने वर्क को इम्प्रूव करें और इसको डिजिटल पे लेके आएं। तो आप किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा वाइड करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रही हैं, आपको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं? मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन वगैरह मतलब कि इन पर वर्क कर रही हूँ। ओके सी, तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स की वर्किंग भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। लैब्स एकेडमी के एससीओ गेस्ट पोस्टिंग के ये स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर ये लोग एक पैकेज में डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, एससीओ गेस्ट पोस्टिंग और तमाम अर्निंग कोर्सेज यहाँ पे जो हमारी टीचर्स हैं वो करवा रहे हैं। स्टूडेंट है रुजैन, सो इससे पूछते हैं कि इसका कितना टाइम गुजर चुका है यहाँ पे और एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जी मैम, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ आते हुए लैब्स में, और मैं गेस्ट पोस्ट और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे, टीचर्स कैसी रही हैं यहाँ की? ठीक, अच्छा है, हर चीज़ ठीक है, आ रही है समझ। ओके जी, सो आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट है यहाँ पे अवैस जी, आते हैं कि आप यहाँ पे एसईओ के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ऐसा ही है? तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? अभी फिलहाल हमने फेसबुक मार्केटिंग सीखी है और अभी कैनवा सीखना आ गया और बाकी जो है फर्दर आगे वगैरह सर। ओके सर, यहाँ पे और मजीद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो आपको लगता है कि नहीं है हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारे फ्यूचर के लिए और जो आप करना चाह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं? गेस्ट पोस्टिंग और अपना एसईओ जो वेब डेवलपमेंट है उसका कोर्स और बाकी ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई बेनिफिशियल है, आपके इन फ्यूचर यूज होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ओके जी। गाइस अब आपको ले चलते हैं क्लासेस की तरफ, क्योंकि आप लोग को शायद ना अंदाजा हो कि यहाँ पे सिर्फ कोर्सेज नहीं करवाए जा रहे, यहाँ पे एकेडमी क्लासेस और कॉलेज क्लासेस भी कवर की जा रही हैं। सो चलते हैं अपनी क्लासेस की तरफ, विजिट करते हैं आपको, करवाते हैं क्लासेस का। सो चलिए, सो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ लैब्स एकेडमी की टीचर से, जो कि एकेडमी क्लासेस और कॉलेज क्लासेस कवर कर रही हैं, तो पूछते हैं उनसे कि कैसी जा रही है उनकी एकेडमी और कॉलेज क्लासेस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अरीजा जी। तो आपसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हैं वो कवर करवाई जा रही हैं, एकेडमी की भी और कॉलेज की भी? यहाँ पे 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन के यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्लासेस भी कवर करवाई जा रही हैं, बीए, बीएड, बीएस ऑनर भी। ओके, मतलब बीएस के भी आपके पास सारे प्रोग्राम्स हैं। सो एकेडमी क्लासेस में अभी जो रिसेंट आपके पास स्टूडेंट्स रेगुलर आ रहे हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस किस क्लास के हैं और उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है? यहाँ पे 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट आ रहे हैं, इवन के हमारे पास सप्लीमेंट्री स्टूडेंट भी आ रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। रिसेंट अभी जो 9th, 10th के एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, 10th के रिजल्ट आ चुके हैं, कैसा रिजल्ट रहा है लैब्स एकेडमी का? उनका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया, आप चेक भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, और बीएस के जो हमारे पास प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं क्या उसके स्टूडेंट्स आपके पास है और उनका रिजल्ट कैसा जा रहा है? माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, चाहे वो बीएस के हों, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th, 10th के हों, इन सब का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे रिजल्ट A1 जा रहा है। ओके जी, तो अभी हम कुछ स्टूडेंट्स को अगर आपकी इजाज़त हो तो कवर करना चाहें, अगर हम उनसे पूछना चाहें कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सो चलते हैं स्टूडेंट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है एकेडमी और कॉलेज क्लासेस का। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? धनक्षा आज़ाद। ओके, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे एकेडमी और कॉलेज क्लासेस करते हुए? मेरा 3rd ईयर है। ठीक है, और इससे पहले की जो आपकी क्लासेस थी उनका रिजल्ट कैसा रहा है, कौन कौन सी क्लास आपने यहाँ पे पढ़ी है? मैं 9th क्लास से इधर ही हूँ, अभी मेरी 1st ईयर है। ओके, और 9th, 10th का रिजल्ट आपका कैसा रहा? खुदा का शुक्र है, मेरा रिजल्ट अच्छा आया था बहुत। ठीक है, ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा है। ओके स्नेहा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे मतलब पढ़ते हुए, एकेडमी और कॉलेज के स्टूडेंट हो आप? नहीं, मैं 10th क्लास की मैट्रिक साइंस की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मिस बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और यहाँ पर टेस्ट सेशन भी बहुत अच्छा होता है। वेरी नाइस, ओके, सो टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ कैसा है? अच्छा है, टीचर अच्छे से गाइड करती है हमें। ओके, सो आपके टेस्ट सेशन जो जहाँ पे हो रहे हैं जितने भी हैं, क्या उनमें आपकी प्रोग्रेस टीचर को अच्छी लग रही है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है, उनका तरीका वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, मतलब आपको चीज़ें समझ आती हैं सारी।
ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? महनूर। किस क्लास की आप यहाँ पे जो है वो स्टडी कर रही हैं, एकेडमी और कॉलेज? कॉलेज एफ एस सी की। ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल? मेडिकल। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, कितने टाइम से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं और टीचर्स कैसी हैं, कोऑपरेटिव हैं? जी बहुत कोऑपरेटिव है। और रिजल्ट कैसा रहा है आपका जो इससे प्रीवियस आपने यहाँ पे एग्जाम्स दिए हैं लैब्स की तरफ से? बहुत अच्छे आए। ठीक है, आपको मेरी आज की वीडियोस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे इंटरव्यूज जो मैंने स्टूडेंट्स के और टीचर के लिए आपको अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आज की वीडियो आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ होगा कि नहीं यहाँ पे वाकई में कुछ ना कुछ करवाया जा रहा है। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो में स्टूडेंट की वर्किंग देखी, उनका एक्सपीरियंस देखा, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर विजिट करें और लाइक कर दें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और मस्त शेयर करें। और अगर कोई भी ऐसी क्यूरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।